हेलो बच्चों, आज हम लोग इनऑर्गेनिक का सरफेस केमिस्ट्री का कोलॉइड सेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो कोलॉइड्स बहुत ही सिंपल और दमदार टॉपिक है जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए और एकेडमिक एग्जाम के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को इस सेक्शन में पता होना चाहिए कि कोलॉइड है क्या, क्योंकि इसके बारे में कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके क्लासिफिकेशन, उन सबको सीखने के लिए आप सबको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, तो भाई इंट्रो हर एक चीज का दमदार होना चाहिए, इसी तरीके से कोलॉइड का भी इंट्रो दमदार होगा। तो ध्यान से सीखिएगा, बहुत अच्छे से सीखिएगा। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। भाई थॉमस ग्राहम की बात इसलिए आ रही है क्योंकि भाई कोलॉइड एक सब्सटेंस है या ये सब्सटेंस की कोई स्टेट है, ये सब्सटेंस है या सब्सटेंस की कोई स्टेट है, इस बात को ये क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो इनके अकॉर्डिंग क्या था। अकॉर्डिंग टू हिम सब्सटेंसेस क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स या टू कैटेगरीज, दो पार्ट्स में, पहला क्रिस्टलॉइड और जो दूसरा था वो था कोलॉइड। अब इन्होंने सब्सटेंस को, इतने सारे सब्सटेंस होते हैं, वे बहुत सारे होते हैं, अब उन्होंने सिर्फ दो कैटेगरी बनाई, सिर्फ दो कैटेगरी बनाई। अब ये कैटेगरी किस बेसिस पे बनाई, तो भाई ये कैटेगरी जो बेसिस था इनका वो आप देखिए। कहते कि अगर मैं किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन बना दूं और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाए, तो इन्होंने कह दिया कि वो क्रिस्टलॉइड कहलाएगा। मतलब सब्सटेंस हुज एक्वस सोल्यूशन पासेस थ्रू एसपीएम। अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपकी आर्टिफिशियल हो सकती है या फिर ये आपके नेचुरल हो सकती है। तो ऐसे सब्सटेंस को जिसका सोल्यूशन पास हो जाए, किसके पास, किसके थ्रू पास हो जाए भाई, एसपीएम के थ्रू, तो उसका नाम दिया क्रिस्टलॉइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनके हिसाब से यूरिया, यूरिया यूरिया जो है आपका वो क्रिस्टलॉइड बोला, शुगर क्रिस्टलॉइड बोला इन्होंने, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइड बोला इन्होंने। क्यों? क्योंकि उनका सोल्यूशन पास हो जाता है एसपीएम के थ्रू, यूरिया सोल्यूशन छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, फाइन सोल्यूशन बन जाता है, यूरिया सोल्यूशन हो गया आपका, शुगर सोल्यूशन हो गया, सोडियम क्लोराइड, कुछ इस टाइप के सोल्यूशन की इन्होंने बात की। तो इनके हिसाब से ये यूरिया, शुगर और सोडियम क्लोराइड क्या थे, क्रिस्टलाइड। फिर कोलॉइड की जब बात की इन्होंने, तो फिर इसके अपोजिट डेफिनेशन दे दी। इन्होंने कहा, यहां पे लिख देते हैं ऊपर और इसे हटा देते हैं। कोलॉइड के लिए इन्होंने कहा कि ऐसे सब्सटेंस भाई जिनका सोल्यूशन पास नहीं होता एसपीएम के थ्रू, दो सब्सटेंस हुज एक्वस सोल्यूशन does not pass through SPM. For example, starch solution लिख सकते हैं, ठीक है, no problem. Starch solution हो गया आपका, एक और compound होता है gelatin powdered form में, या gum solution etc. तो ये ऐसे compound थे भाई जिनका एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर वो एक्वस सॉल्यूशन पास नहीं होता था एसपीएम के थ्रू। तो इन सॉल्यूशन, मतलब इन सब्सटेंसेस को उन्होंने क्या नाम दिया, कोलॉइड का, जबकि ये जो सब्सटेंस यहां पे लिखे हुए ये, इनको क्या नाम दिया, क्रिस्टलॉइड का। तो ये अर्लियर क्लासिफिकेशन थी, ये ग्राहम्स की सबसे पहले क्लासिफिकेशन थी, कहने का मतलब है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्लासिफिकेशन, यानी कि जो डेफिनेशन है, हमारा मेन टारगेट इस डेफिनेशन को देखना कि कोलॉइड की डेफिनेशन, जो यहाँ पे आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो दी गई है,
उसके थ्रू जो थी वो कुछ टाइम बाद डिस्कार्ड कर दी गई। भाई डिस्कार्ड क्यों कर दी गई, ये नेग्लिफाई कर दी गई, भाई ऐसा क्यों, एक तो इतनी अच्छी डेफिनेशन थी फिर ये क्यों हटा दी गई। तो सबसे पहले आप ये लोग ये लिख लिया होगा आप सबने, ठीक है हटा देते हैं। उसके बाद ये समझते हैं कि क्या ये डेफिनेशन आगे आई या फिर कुछ नई थी, और अगर ये नहीं आगे आई तो कारण क्या था। तो भी बताया क्या, दिस डेफिनेशन वॉज नेग्लेक्टेड। भी ऐसा क्यों, कुछ समय बाद इसको हटा दिया गया और ये कहा गया बिकॉज सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज क्रिस्टलॉइड इन वन सॉल्वेंट। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है भाई, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन। देखो भाई डेफिनेशन हटाने का रीजन भी है, कहते हैं कि एक ही सब्सटेंस सेम सब्सटेंस भाई क्रिस्टलॉइड का भी काम कर सकता है किसी एक सॉल्वेंट में, एंड इट कैन एक्ट एज अ कोलॉइड इन अदर सॉल्वेंट। देखिए भाई बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भाई इनके हिसाब से। मतलब जो लेटर कुछ डिस्कवरीज थी, लेटर जो इन्वेंशंस थे, उन्होंने कहा कि एक ही सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड की तरह काम करेगा किसी एक सॉल्वेंट में, और वही सब्सटेंस कोलॉइड का काम करेगा किसी दूसरे सॉल्वेंट में। एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी चुनुमुंद ध्यान देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो देखो हमारे पास एग्जांपल है, मान लीजिए आप सल्फर की बात करते हैं, सल्फर सॉलिड सल्फर लिया आपने, उस सल्फर को वाटर में आप डाल दीजिए, ठीक है सल्फर को वाटर में घोल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसी सल्फर को आप बेंजीन में मिलाइए या अल्कोहल में सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। चलो अल्कोहल ले लेते हैं, आपको याद रह जाएगा है ना, अल्कोहल तो सबको याद रह जाता है, ठीक। सो सल्फर का आपने सॉल्यूशन बनाया वाटर में, और फिर सल्फर का दोबारा से सॉल्यूशन बनाया किसमें, अल्कोहल में। तो भाई ऐसे केस में आप, मैं आपको बताऊं क्लियरली, तो सल्फर जब वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो वो कोलॉइड की तरह काम कर रहा था, मतलब उसका सॉल्यूशन पास नहीं हुआ एसपीएम के थ्रू, तो उसको कोलॉइड का नाम दिया, और उसी सल्फर को जब अल्कोहल में मिलाया तो वो पास हुआ एसपीएम के थ्रू, इसका मतलब उसका नाम क्या दिया इन्होंने, क्रिस्टलॉइड का। मतलब अब देखिए सब्सटेंस एक ही है, सब्सटेंस एक ही है, अब एक ही चीज दोनों का एक्ट कर रही है, वो कोलॉइड भी हम उसे कह रहे हैं, हम उसके सॉल्यूशन को कोलॉइड भी बोल रहे हैं और उसके सॉल्यूशन को क्रिस्टलॉइड भी बोल रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे ना कि यहाँ पे वो डेफिनेशन क्यों गलत साबित हुई, क्योंकि एक ही सब्सटेंस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, तो अगर मैं ये चीज छुपा लूं, ये चीज ना दिखाऊं, तो सल्फर, हम तो धर्म संकट में पड़ जाएंगे कि सल्फर को कोलॉइड बोला जाए या सल्फर को क्रिस्टलॉइड। तो यहां से आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कि सर सब्सटेंस तो वही है, अब कोलॉइड का काम करेगा तो उसके लिए सिग्निफाई करें कि सॉल्वेंट कौन सा था, वो क्रिस्टलॉइड का काम करेगा तो सिग्निफाई करें कि आपका सॉल्वेंट कौन सा है। तो अब आप ये लाइन पढ़िए, यहां क्या लिखा था कि सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज बोथ, एक सॉल्वेंट में अगर वो कोलॉइड है तो दूसरे किसी सूटेबल सॉल्वेंट में वो क्रिस्टलॉइड है। तो ऐसे में जो पिछली डेफिनेशन थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से, एक और बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं, आप साथ ही साथ लिखते रहिएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, सोडियम क्लोराइड का ही ले लेते हैं, लीजिए एग्जांपल। अब NaCl का जब आप वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये आपका एसपीएम के थ्रू बहुत जल्दी झट से पास हो जाता है, फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, ट्रू सॉल्यूशन बनाता होगा शायद, इसीलिए सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर जब सॉल्यूशन बनता है तो इसको क्रिस्टलॉइड कहा जाता है। इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, क्रिस्टलॉइड कहते हैं, ठीक है। और जब इसको बेंजीन में डिसॉल्व करें हम तो ये कोलॉइड बनाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये बोलो या तो ये बोलो,
लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ सब्सटेंस की थोड़ी ना, इसका मतलब इसका बिहेवियर अलग अलग है, सॉल्वेंट में बिहेवियर अलग अलग है। तो अब यहाँ पे फाइनली ये होता है कि कोलॉइड कोई भी सब्सटेंस नहीं है कि लो भाई ये कोलॉइड है और ये सब्सटेंस जो आपका कोलॉइड है, ये सब्सटेंस कोलॉइड है या वो सब्सटेंस कोलॉइड है, नहीं, सब्सटेंस कोई भी कोलॉइड नहीं है। एक्चुअली ये कोई कंपाउंड नहीं है, कोलॉइड कोई कंपाउंड नहीं होता, कोलॉइड कोई कंपाउंड नहीं है, एक्चुअली ये उस कंपाउंड की एक स्टेट है। क्या है, फिर से यहां पे रिपीट करते हैं और यहां पे लिखते हैं साथ ही साथ ही। हाँ, क्या बताया आपने, कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ये वाली बात ध्यान दीजिए, किसी सब्सटेंस की स्टेट होता है, कोई सब्सटेंस किसी सब्सटेंस की स्टेट होता है, ना कि ये डायरेक्ट कोई सब्सटेंस है। मैंने कह दिया NaCl कोलॉइड है, या मैंने कह दिया आपका बेंजीन सपोज कोलॉइड है, नहीं ऐसा नहीं है, ये उस सब्सटेंस की क्या है, स्टेट है। आप लोग ध्यान से इस चीज को स्टोर कीजिए माइंड में। और अब समझते हैं कि नई डेफिनेशन कौन सी। तो भाई न्यू डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ कोलॉइड, शन ऑफ कोलॉइड इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। भाई आप समझ भी गए होंगे थोड़ा, सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डाला तो बिल्कुल छोटे छोटे आयंस में स्प्लिट हो जाता है, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक आयंस में स्प्लिट हो गया और इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन बनाता है। एक्चुअली क्रिस्टलॉइड जो होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस। लेकिन जब NaCl आयनिक है और आप एक नॉन आयनिक यानी कि नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर इसे डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं होता, बड़े बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में एज इट इज रहता है, जिसकी वजह से जब बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे तो बिहेवियर कुछ बदल जाता है और जो सोल्यूशन जैसा पहले ट्रू सोल्यूशन बना था नहीं बनता, कुछ अलग टाइप का बनता है। तो शायद उसको इन्होंने क्या नाम दिया, कोलॉइड। तो कोलॉइड के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी जिसके बेसिस पे हम और अच्छे से सीख पाएंगे कि ये बाकी सोल्यूशन से कैसे अलग होता है। तो यहाँ पे न्यू डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं कोलॉइड की, वो किस चीज पे बेस्ड है, पार्टिकल साइज। भाई जो चीज आप डिसॉल्व कर रहे हो उसका साइज क्या है, जल्दी से इसे लिख लें अच्छे से। हाँ बच्चों, तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज बता देता हूं कि अभी तक कोलॉइड के बारे में ये चीज पता लग चुकी है हमें कि कोलॉइड कोई भी सब्सटेंस नहीं होता, ये सब्सटेंस की स्टेट कोई ना कोई स्टेट होती है। अब इस स्टेट को ना कहा जाता है कि ये इंटरमीडिएट स्टेज भी लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे स्टेट लिख सकते हो, सही वर्ड आप स्टेट भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इंटरमीडिएट स्टेट होती है किसकी, ट्रू सोल्यूशन के बीच, मतलब ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच। हमने तीन टाइप के सोल्यूशन बताए, एक्चुअली सीधा सीधा बोल दिया जाए तो ये सोल्यूशन ही होता है एक तरीके से, जो कि ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच लाई करता है। अब यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन जो मिली है वो पार्टिकल्स के थ्रू, मतलब पार्टिकल साइज के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बाकी की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनके कंपैरिजन में इसके अलग होती हैं। इसलिए हमारा मेन टारगेट होगा कि कोलॉइड की प्रॉपर्टीज को सही तरीके से पढ़ना। जैसे पार्टिकल साइज की बात करें, जिसमें हम डायमीटर की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि ट्रू सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें पार्टिकल, मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो है वो कम होता है 1 नैनोमीटर से भी, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। किसका साइज, पार्टिकल का साइज। और कौन से पार्टिकल, अरे जिनका वो सोल्यूशन बनाया गया, मतलब जिन्हें हम लोग सोल्यूट पार्टिकल्स कहते थे। साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो साइज बताया जाता है कि वो 1 नैनोमीटर से आपका 1000 नैनोमीटर की रेंज में आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये नैनोमीटर की रेंज में आपको बता रहा हूं, और साथ ही साथ इनका साइज जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। अगर मान लीजिए एंस्ट्रॉन्ग यूनिट में पूछ लिया जाए, तो आप एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो एंस्ट्रॉन्ग में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 नैनोमीटर से 10 एंस्ट्रॉन्ग से
10^4 एंड स्ट्रॉन्ग तक होता है, मतलब अलग अलग यूनिट्स में भी आपको साइज निकालना आना चाहिए। तो मोस्ट कॉमन यूनिट्स में मैं लिख रहा हूं, इसके अलावा इसका साइज यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 एंड स्ट्रॉन्ग से कम, और यहाँ पे लिख सकते हो ग्रेटर देन 10^4 एंड स्ट्रॉन्ग। सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर में, वो अलग अलग प्रेफिक्सेस के टर्म में आपको निकालना आना चाहिए। तो साइज के बेसिस पे तो ये चीज है, तो बहुत अच्छे से लॉक कर लें 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, डन। अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बेसिस पे, भाई अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे जिसके बेसिस पे बात करेंगे। तो विजिबिलिटी के बेसिस पे जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का, शुगर सॉल्यूशन, ये जितने भी आपके ट्रू सॉल्यूशन है आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे, तो इनकी विजिबिलिटी की अगर बात करें तो पार्टिकल सिंपली आंखों से तो नजर ही नहीं आते, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नजर नहीं आते। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, नॉट विजिबल, विजिबिलिटी है ही नहीं, इनके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, ठीक है, नॉट विजिबल। जबकि कोलॉइड के पार्टिकल्स को, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। सो देयर पार्टिकल्स कैन बी विजुलाइज्ड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है, देख पाएंगे सब लोग कि कोलॉइडल के जो पार्टिकल, मतलब कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुलाइज हैं, मतलब देखे जा सकते हैं। सस्पेंशन में बहुत ही क्लियर होता है कि हम सामने ही देख सकते हैं, सिंपली नेकेड आई से देखा जा सकता है, ठीक है। तो विजिबल थ्रू नेकेड आई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से दोनों प्रॉपर्टीज सीख ली। अब नेक्स्ट सेपरेशन, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग करना और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलग करना, तो भाई यहां पे बताया जाता है कि सेपरेशन अगर करना चाहते हो, भाई एक वो सब्सटेंस जिसको तुमने मिलाया है किसी दूसरे सब्सटेंस में, भाई इसमें तो ये चीज क्लियर है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट बोलते हैं, यहां पे भी शायद कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट बोलते होंगे या कोई नई टर्म होगी, तो जो अभी मैं बताऊंगा। सेपरेशन के बेसिस पे देखते हैं, तो भाई सेपरेशन के बेसिस पे देखें तो भाई एक हो सकता है कि आप सिंपल पेपर यूज कर रहे हो, ठीक है, या एक हो सकता है आप सेपरेशन के लिए मेम्ब्रेन यूज कर रहे हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहां पे है आपका यूजिंग फिल्टर पेपर, जो कॉमन फिल्टर पेपर होते हैं अगर उसको यूज करके आप सेपरेशन कर रहे हो, या फिर मेम्ब्रेन यूज कर रहे हो, किसको यूज कर रहे हो, मेम्ब्रेन, सीधे ही आप मेम्ब्रेन लिख सकते हैं या फिर यूजिंग SPM लिख सकते हैं। तो यूजिंग फिल्टर पेपर, अगर फिल्टर पेपर के थ्रू चाहते हो कि ये आपका ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट अलग हो जाए और सॉल्यूट अलग हो जाए, तो भाई ये पॉसिबल नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है, सेपरेशन नहीं हो पाएगा, पूरा का पूरा मटेरियल जो है आपको वो पेपर पास करके पास आउट, मतलब पास करके नीचे आ जाएगा यानी पास आउट हो जाएगा, तो ऐसे में आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड इन द सेंस सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मेम्ब्रेन अगर यूज करते हो तो भी पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो नहीं रोक पाता उन्हें, इसी वजह से हम कह सकते हैं भाई इस केस में भी आप सेपरेशन नहीं कर सकते, यानी ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल जिनका सॉल्यूशन बनाया गया उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि कोलॉइड की बात करें तो फिल्टर पेपर से पॉसिबल नहीं होता, फिल्टर पेपर को भी ये भी क्या करते हैं, इनके पार्टिकल भी फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल का साइज, मतलब पोर साइज, फिल्टर पेपर का पोर साइज काफी बड़ा होता है, यानी कि ये पार्टिकल उसको क्रॉस कर जाएंगे, जबकि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, जैसा कि थॉमस ग्राम की अपने डेफिनेशन में भी देखा था। इसका मतलब यहां लिख सकता हूं मैं पॉसिबल, इस वाले केस में पॉसिबल है सेपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, पॉसिबल इन केस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। जबकि यहां पे अगर बात करें तो भाई पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है भाई, तो दोनों ही केसेस में सेपरेशन क्या हो सकता है, पॉसिबल, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों ही केसेस में सेपरेशन क्या होता है, पॉसिबल। अच्छा, अब आ जाते हैं नेचर पे, नेचर के बेसिस पे अगर बताएं तो ट्रू सॉल्यूशंस को एक खास नाम से जानते हैं आप, बहुत छोटी क्लासेस में भी ये नाम पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस कहते हैं, इस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है, होमोजीनियस कहते हैं। जबकि इन दोनों सॉल्यूशंस को, मतलब इन दोनों स्टेट्स को कहा गया है भाई हेटरोजीनियस, हेटरोजीनियस, और इसको भी हेटरोजीनियस, हेटरोजीनियस के नाम से। तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि होमो और हेट्रो का
आइडिया कैसे, मतलब कैसे इन दोनों को क्लैरिफाई किया जा सकता है। जैसे कि छोटी क्लासेस में आपको समझाया गया होगा कि भाई जो सॉल्यूशंस होमोजीनियस है उसका मतलब है कि जो मटेरियल यानी कि सॉल्यूट जिस सॉल्वेंट में आप डाल रहे हो, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट चाहे बेशक आपने सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में डालो, जैसे चीनी आपकी सॉलिड होती है या सॉल्ट आपका सॉलिड होता है, तो सॉलिड को जब आप वाटर में डालते हो जबकि वो लिक्विड होता है, तो सॉलिड अपने आप को ऐसे डिसॉल्व कर लेता है कि आपको बाद में सिर्फ लिक्विड ही नजर आता है। क्या आपने कभी देखा है कि आप शुगर को वाटर में ऐड कर दें और डिसॉल्व करते ही उसके अंदर डिसॉल्व होने के बाद उस सिस्टम का नेचर बदल जाए, गैस बन जाए, सॉलिड हो जाए? नहीं, वो अभी भी लिक्विड रहेगा, तभी उसको लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि सॉल्यूट ने ऐसे अपने आप को डिवाइड कर लिया, इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि सिंगल कंपोनेंट आपको नजर आता है। आपको सिर्फ ऐसा नजर आता है कि एक ही कंपोनेंट से बना है सॉल्यूशन, ना तो आपको सॉल्ट नजर आता है ना आपको शुगर नजर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम सिर्फ एक ही फेज का है और वो है लिक्विड फेज। तो सिंगल यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं होमोजीनियस का मतलब होता है सिंगल फेज। कौन सा फेज? सिंगल फेज। और सिंगल फेज यानी सॉल्वेंट का फेज। और किस चीज का फेज? सिंगल फेज मतलब सॉल्वेंट का फेज। जबकि यहां पे हेट्रो बोला गया तो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज दोनों केसेस में बड़ा, मतलब 1 नैनोमीटर से छोटे वालों को कंसीडर किया गया, ये मान सकते हो सिंगल फेज। जबकि यहां पे और उस वाले केस में सॉल्यूट पूरी तरीके से डिवाइड तो हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं, लेकिन वो अपना सेपरेट फेज बनाते हैं। पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से वो सिंगल फेज में नहीं काउंट होते हैं, यानी सॉल्यूट का अलग फेज काउंट किया जाता है और सॉल्वेंट का फेज अलग, यानी कि यहाँ पे बाई फेज्ड पार्ट हो गया, यानी दो फेजेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग डबल फेज कह सकते हैं या फिर मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज, यही चीज उसमें आएगी। ठीक, हेट्रोजीनियस इस तरीके से समझाया जाता है। जल्दी से ये सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से कॉपी में लिखें और फिर आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो देखते हैं आप तीन छोटे से और प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पे हम कोलॉइड को और बेहतर समझेंगे। तो भाई सेटलिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे कोलॉइड को और कंपेयर करते हैं बाकी दो पार्ट से। तो सेटलिंग प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स का सेटल डाउन हो जाना, तो आप सब जानते हैं कि जब ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आप एक दो घंटे बाद सॉल्यूशन को देखें और वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट सेटल, ठीक है, सेटल ही नहीं होते। जबकि कोलॉइड के भी नॉर्मली सेटल नहीं होते, लेकिन अगर आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे, बहुत तेज रोटेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो उस दौरान पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यहां लिख सकते हैं सेटल अंडर, नहीं, सेटल बाय सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूजिंग, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जब करेंगे तब सेटल होंगे। इसके अलावा सस्पेंशन की बात करें तो भाई सेटल अंडर ग्रेविटी, सेटल अंडर ग्रेविटी, थोड़ी देर बाद अपने आप ही नीचे बैठ जाएंगे इसके पार्टिकल। तो भारी पार्टिकल होते हैं, हैवी होते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, पार्टिकल्स की मूवमेंट। तो कहते हैं कि भाई ट्रू सॉल्यूशन में छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के कह सकते हैं, तो उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। तो यहां लिख सकते हैं क्विकली डिफ्यूज, भाई बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। जबकि इसकी अगर बात करें तो स्लोली डिफ्यूज होते हैं, ये स्लोली डिफ्यूज। जबकि इस केस में पार्टिकल हैवी होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन की बात करें तो नहीं होता, डज नॉट डिफ्यूज, डज नॉट डिफ्यूज। अब बात करते हैं अपीयरेंस की। तो भाई अपीयरेंस के बेसिस पे भी कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, कुछ डिविजन्स हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्लियर सॉल्यूशन बनता है और आसपास बहुत साफ नजर आता है, इसलिए इसमें कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होती है, तो ट्रांसपेरेंट लिख सकते हैं। और कोलॉइड के केस में हम लोग कह सकते हैं विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, जितना ट्रू सॉल्यूशन में क्लियर विजिबल होता है आरपार, उतना अच्छा इनमें दिखाई नहीं देता। तो इसमें ट्रांसल्यूसेंट वर्ड यूज किया जाता है,
ट्रांसल्यूसेंट वर्ड यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें लास्ट सेक्शन की तो ये तो बिल्कुल इनमें विजिबिलिटी नहीं होती, इसलिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं ओपे, ओपे बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो ये सभी पॉइंट्स हैं और देखते हैं कि अब कोलाइड की प्रॉपर डेफिनेशन हमने देखी अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो हटाइए फटाफट, लिख लीजिए जल्दी से। हाँ बच्चों, तो आप सबने लिख लिया होगा। तो इस तरीके से कोलाइड की डेफिनेशन फाइनली क्लियर हो जाती है इसकी कई सारे प्रॉपर्टीज के थ्रू, और बेसिकली जो डेफिनेशन होगी वो साइज के थ्रू हम बता सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हमसे पूछा जाए कि कोलॉइड क्या है, तो बेसिकली कोलॉइड की डेफिनेशन में सीधे ही हम क्या दे सकते हैं कि कोलॉइड एक सॉल्यूशन है ना। तो लिख सकता हूं इट इज अ सॉल्यूशन इन विच अ सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल बटा हुआ होता है, एक सब्सटेंस डाला वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की रेंज भी आपको बतानी चाहिए, तो बहुत बड़ी रेंज होती है कोलॉइडल, तभी कोलॉइड्स बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं, क्योंकि एक नैनोमीटर से हजार नैनोमीटर के बीच का साइज होता है। तो स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि देखो एक सोल्यूशन हुआ, कोलॉइड क्या है, एक सोल्यूशन है किस चीज का, किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन हो सकता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वो सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एज डिस्पर्स्ड फेज, स्मॉल पार्टिकल्स एज डिस्पर्स्ड फेज, मतलब उसको जो है कौन सा फेज कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, dispersed in dispersion, dispersed in other substance called dispersion medium। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अब दोबारा से देखें भाई, इट इज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें एक सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में, इतना साइज लगभग होना चाहिए, इज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इज डिस्पर्स्ड, ठीक है ना, ये पार्टिकल का साइज है, डिस्पर्स्ड फेज का नाम दिया जाता है उसको, और डिस्पर्स्ड फेज जो है और कहां पे डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स्ड मतलब होता है कि फैला हुआ, फैल गया हर जगह पे, ठीक है, सो वो कहां डिस्पर्स्ड है, किसी दूसरे सब्सटेंस में मतलब सॉल्वेंट, सिंपल वे में कहो तो दूसरे सब्सटेंस मतलब सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड है, और जिसको हमने डिस्पर्जन मीडियम कहा, मतलब अगर तुम ज्यादा ही ये डिस्पर्स डिस्पर्जन में ज्यादा कंफ्यूज अगर हो गए हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, इसके अंदर मतलब कोलॉइड दो पार्ट्स में बना हुआ है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, जबकि यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना बोल करके हम सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, क्योंकि हेट्रोजीनियस है ना, तो डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जाना जाएगा, जबकि ये आपका डिस्पर्जन मीडियम के नाम से जाना जाएगा, ठीक। डिस्पर्स्ड फेज एक डिसकॉन्टिन्यूअस फेज है, डिसकॉन्टिन्यूअस फेज कहलाता है, भाई हर जगह नहीं होता, इधर है उधर है इधर है ऐसे करके अलग अलग फैला हुआ है, जबकि डिस्पर्जन मीडियम को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फेज का नाम देते। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना बोल के इस चैप्टर में हम इन वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो बस ये इंट्रोडक्शन अगर आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अब आपको आगे की पार्ट्स मतलब क्लासिफिकेशन जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कोलॉइड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और किस बेसिस पे किया गया है, ठीक। तो यहां तक की वीडियो सबको समझ आई होगी, तो बहुत बढ़िया से इसे सीखिएगा और समझिएगा, ठीक है, बढ़ते रहिए और आगे।